पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं कानपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नशेबाज सिपाही ने रिक्शा चालक को पीटा। रिक्शा चालक को पीटते ही सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। नशेड़ी सिपाही दुष्यंत कुमार स्वरूप नगर थाने में तैनात है। बीच बचाव करने पर सिपाही ने पब्लिक को भी धमकाया है। एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने इस पर कार्रवाई भी की है। सिपाही दुष्यंत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नशेबाज सिपाही की करतूत सामने आई है। नशेबाज सिपाही ने रिक्शा चालक को पीटा और रिक्शा चालक को पीटते सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस आरोपी सिपाही पर कार्रवाई भी की गई है। नशेड़ी सिपाही दुष्यंत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। स्वरूप नगर थाने में तैनात है ये आरोपी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक वर्दीधारी सिपाही बीच सड़क पर रिक्शा चालक को पीटता हुआ नजर आ रहा है बेरहमी से। ये वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि इस नशेड़ी सिपाही पर कार्रवाई भी की है एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने, निलंबित कर दिया गया है सिपाही दुष्यंत कुमार को। लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें ठेकेदारियों के सामने आती रहती है, जो बड़े सवाल या निशान खड़ी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। नशेड़ी सिपाही दुष्यंत कुमार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर ये सिपाही रिक्शा चालक को पीटते हुए नजर आ रहा है बेरहमी से। लाठी डंडों से पिटाई कर रहा है।